पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मुरादाबाद की देहात विधानसभा सीट से केके मिश्रा को इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया है। उन्हें देहात विधानसभा सीट से 2022 के इलेक्शन में देहात विधानसभा सीट पर भाजपा ने इस बार केके मिश्रा पर अपना भरोसा जताया है। जैसे ही लोगों को ये सूचना मिली तो वो केके मिश्रा को साथ लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचकर वहां पर जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उन्हें बधाई देने के लिए पहुँच गए और मिठाई बांट कर तथा फूल मालाएं पहनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा के देहात विधानसभा प्रत्याशी बताया कि हमारा एजेंडा सिर्फ विकास है। उन्होंने कहा कि 2022 में वो जीतने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे और एक बड़ी हॉस्पिटल की सुविधा क्षेत्र की जनता को सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा 27 देहात से मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण करा सकूं और एक स्टेडियम का, विशाल स्टेडियम का निर्माण करा सकूं, जिससे वहां पर राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें और देश का नाम रोशन करें और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। देहात विधानसभा है, ब्राह्मण पिछली बार भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था, इस बार जीतने के लिए किस तरह की प्लानिंग रहेगी आपकी और किस तरह से जनता के सपोर्ट? मैं जनता से वहाँ अपनी चिकित्सीय सुविधाओं के साथ, क्योंकि मैंने पिछले पूरे 5 वर्ष में 7 वर्ष में हर गांव में हर घर पर फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, फ्री दवाइयों का वितरण कराया है। मैं हर व्यक्ति से मिला हुआ हूँ, मैं हर व्यक्ति के साथ संपर्क में हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे जनमानस का ये सहयोग मुझे मिलेगा। किसी तरह की चुनौती मानते हैं देहात? नहीं, किसी तरीके की चुनौती मेरे साथ नहीं है। मैं अपने कार्य में विश्वास करता हूँ, अगर कार्य का मुझे प्रतिफल मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।